जी, मैं बात कर रहा हूँ सफीर खालिद से, और आप जुड़े हुए हैं मेरे साथ पाकिस्तान में। कहाँ से? सर बेसिक ताल्लुक मेरा सर पंजा साहब से है अच्छा, और सेटल सर हम कराची में हैं। सेटल कराची में। कराची तो वही जगह मैं देखता हूँ आपके बहुत सारे ड्रामे, ARY ड्रामे देखता हूँ, वो सब कराची की शूटिंग होती है वहाँ पर। जी सर बिल्कुल। जी, मैं बहुत बहुत ही दिलचस्पी से देखता हूँ बहुत सारे ड्रामे आपके, रोज के ARY के ड्रामे। एक मैं देख रहा हूँ वो है फितरत, देख रहा ठीक हूँ आजकल, और ए मोहब्बत, ए मोहब्बत वो देख रहा हूँ, और बहुत सारे चले गए, गुजर गए। अब तो 6-6 महीने बाद खत्म हो जाते हैं, लेकिन अभी ये दो ये चल रहे हैं, जी सर बिल्कुल। ये मैं देखता हूँ उनको बहुत ही दिलचस्पी से। तो बहरहाल ये बताएं कि आपने कहा मेरे को पहले कि आप हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर एसी के टेक्नीशियन हैं आप पिछले 4-5 साल से। जी सर बिल्कुल। जी, और आपने हाँ ये जॉब किया है कहाँ पर? मिडिल ईस्ट में किया? जी सर, मेरा कुछ सर पाकिस्तान का भी एक्सपीरियंस है और फिर दुबई का है और लास्ट जो है सऊदी अरब में अमेरिकन कंपनी के साथ है। गुड। सो अब आप ये बताएं, चलो आपका एक्सपीरियंस तो है 5 साल से ज़्यादा है, तो आप कौन से प्रोविंस, कौन से सूबे में सोच रहे हैं कि वहाँ कनाडा में जाएंगे? कोई कनाडा में कोई कनेक्शन है आपका? नहीं सर कुछ कनेक्शन तो नहीं है लेकिन ओंटारियो और जो है अल्बर्टा के से सर जो है मेरा कुछ मुझे इंटरेस्ट हो रहा है कि इन दो स्टेट्स में जो है अप्लाई किया जाए। आपकी क्या सर इसमें ओपिनियन नहीं, रहेगी? उसकी वजह क्या है? मतलब वही, मैं चलो कोई बात नहीं, ओंटारियो में भी चले जाना, उसकी वजह क्या है? सर एक ओंटारियो जो है जो मैंने रिसर्च की है नेट के ऊपर ओंटारियो को सर रेड सील नहीं चाहिए इस स्टेट में 7313 NOC के अंदर ओके, और अल्बर्टा और जो है बाकी जो उनके दूसरे प्रोविंस हैं और स्टेट्स वगैरह हैं इसके अंदर उनको जो है रेड सील की डिमांड है। थोड़ा सा समझने में थोड़ा सा मुश्किल है क्या? व्हाट डू यू मीन के रेड सील की डिमांड है? रेड सील एक अलग चीज़ है, आपका जो सर्टिफिकेट आप जो कर रहे हैं वो अलग चीज़ है। रेड सील का मतलब तो ये होता है कि एक बार अगर आपको लाइसेंस एक सूबे में मिल जाए तो उसको आप दूसरे प्रोविंस में जाने के लिए आपको रेड सील कहते हैं, जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होता है। तो रेड सील एक अलग चीज़ है, बाकी हर एक सूबे के अपने अपने एग्जामिनेशंस, अपने अपने एक रिक्वायरमेंट हैं कि इतना हम टेस्ट लेंगे आपका और ऐसे ऐसे आपको करेंगे, तो वो एक अलग चीज़ है। आपका जो आपने कहा कि टेक्नीशियन होना आप, लेट मी सी जी सर व्हाट दैट इज, क्या कहते हैं इसको, एयर कंडीशनिंग टेक्नीशियन, जी सर तो ओंटारियो में आपने कहाँ देखा कि रेड सील? दिखाएंगे जरा कहाँ वो बोल रहे हैं कि हम रेड सील नहीं चाहिए? सर इसके मेरे पास सर कुछ एक दो लिंक थे ऑन द स्पॉट तो मुझे थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा दिखाने के लिए लेकिन मैं कोशिश करता हूँ अगर मुझे मिल गया। ये पूरा उसका उसका ट्रेड का नाम क्या है? HV हैवी, व्हाट इज दिस? पूरा ट्रेड का नाम क्या है? सर ये जो है NOC कोड है 7313 रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक। रेफ्रिजरेशन, अच्छा, रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स मैकेनिक, जी सर ठीक है। तो आपने ये कहा कि ओंटारियो में इसको रेड सील नहीं चाहिए, दोबारा से बोलने जरा, क्या बोला आपने, क्या नहीं चाहिए? सर ओंटारियो जो है इसे जो है यहाँ का अपना प्रोविंस इसे सर्टिफिकेट कर रहा है मतलब इसके लिए अगर ओंटारियो अप्रेंटिसशिप वगैरह से कुछ बंदा क्लियर है उसने 5 साल की अप्रेंटिस की हुई है तो उसे जो है एग्जाम देना पड़ेगा अंटोरिया का ना कि रेड सील का और जो है अदर। रेड सील का भी आप जो है ना वो उसको आप उसको अभी उसका उसका अल्फाज आप रेड सील का इस्तेमाल करें ना। आप तो भाई ये देखें कि आपको ओंटारियो का जो टेस्ट है, रिटेन और ओरल, जो भी इनके टेस्ट है, प्रैक्टिकल टेस्ट है, वो पास करने हैं। रेड जी सील सर तो आपको ऑटोमेटिकली आप इन फ्यूचर ले ही लोगे। तो अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम जो होता है ना वो होता है यहाँ के लोगों के लिए, आपके लिए अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम, शायद आप वो सोच रहे हो कि आपने बाहर अप्रेंटिस किया, तो वो ऐसी बात नहीं है। तो अप्रेंटिस प्रोग्राम जो यहाँ के जो स्टूडेंट्स वगैरह हैं यहाँ पर वो करते हैं, जो उसको हम अप्रेंटिस कहते हैं।
जी सर, और इसमें इसके अंदर आपको आपका जो जो आपको टेस्ट लेना है, एक्चुअली आपको जो टेस्ट लेना है वो आपको जो टेस्ट लेना है उसके लिए एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है आपके, कितने घंटे आपने काम किया। जैसे गल्फ में आपने 5-6 साल काम किया है तो उन्हें ठीक वो आपका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट पहले देना होगा और है, उसको देखकर पहले वो आपके जो घंटे देखेंगे। मिनिमम मेरे ख्याल है कि 8,000 घंटे मांगते हैं वो ऑन द जॉब एक्सपीरियंस, 8,280 घंटे मांगते हैं। तो ये उसमें वो है, मैं आपको शायद दिखा देता हूँ स्क्रीन पे, अगर आपको कुछ दिख रहा है तो आप मेरे स्क्रीन को शायद पढ़ लें या देख लें, या देखें क्या है, कुछ नज़र आ रहा है स्क्रीन पे? हाँ जी, जी जी सर, क्या क्या लिखा मैं स्क्रीन पे? सेम चीज पीडीएफ मेरे पास पड़ी हुई है सर। हाँ सेम पीडीएफ है ना, हाँ सेम पीडीएफ है। अब इसी पीडीएफ में देख लें आपका, नीचे देखें आपका यहाँ पर लिखा है आपको टि -टि 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 -टि। ये तो चक्कर ही है कि ये सबके लिए लिखा होता है जो कनाडा में भी रह रहे हैं, जो बच्चे हैं इनको करना है सीखना, उन सबके लिए एक कलेक्टिव वो है, उसको कहते हैं अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। पर यू आर नॉट एलिजिबल टू डू अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम डायरेक्टली, आपको वहाँ से पाकिस्तान से आके अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम करनी, अनलेस के आप यहाँ पर आपके पास वो राइट है, रेजिडेंस राइट है। ये चक्कर है, तो ये उसके लिए है। तो इसमें इसमें नहीं दिया है, इसमें जो आपने जो देखा है ना, जी इसमें सर, उसमें वो चीज़ नहीं दी होगी कि कैसे करना है, तो जी उसके सर, उसके लिए तो कुछ कहीं पर और ही देखना पड़ेगा। और इनकी वेबसाइट वो ऐसे उन्होंने बनाई नहीं है, आई कैन शो यू सम अदर वेबसाइट। अब मैं आपको अल्बर्टा की दिखा देता हूँ आपको, जस्ट टू गेट यू नो आइडिया, एंड देन यू कैन यू नो मैं आपको दिखा, अल्बर्टा की वेबसाइट आप देख रहे हो स्क्रीन पर, नज़र आ रहा है आपको? जी सर, आ रही है। हाँ, मैं अल्बर्टा से आपको आपको समझा देता हूँ, क्योंकि इन लोगों की वेबसाइट कुछ, बीसी की भी अच्छी वेबसाइट है, पर ओंटारियो की वेबसाइट पता नहीं कैसे इन्होंने बनाई है। मैं आपको ये आ गया आपका, जिसको कहते हैं अल्बर्टा माई ट्रेड सीक्रेट्स, दिख रहा है सामने? देखो, तो इसको मैंने क्लिक किया एक्सपीरियंस वर्कर्स पे, कर दिया मैंने आपके ठीक है सामने, सर, कोई कोई यहाँ पर कोई वो नहीं है, कोई सीक्रेट नहीं है यहाँ पर, ठीक है? ठीक इसको इसको मैंने कर दिया कि भाई आपके पास टि -टि 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 -टि, आप ट्रेड प्रोग्राम का ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट फॉरेन नेशनल वर्कर, ये है आप हैं फॉरेन नेशनल वर्कर और आप बाहर से आके इनको टेस्ट देना चाहते हैं, और इसमें वो आपके लिए उन्होंने क्या कर रखा है ये देख लेते हैं। तो ये है आपकी, इसको कहते हैं क्वालिटी, इसको ये देखो कितना बड़ा सिंपल उन्होंने काफ़ी अच्छी बनाई है वेबसाइट। ये है सर। हाँ ये देखें स्क्रीन पे, आप वो फॉलो करें, दिख रहा है स्क्रीन पे आपको, सब नजर आ रहा है कि नहीं? जी सर, मैं देख क्या जुड़ा क्या हूँ लिखा? आप। जी, ट्रेड क्वालिफायर सर, वर्क एक्सपीरियंस प्रोग्राम। जो आप हैं आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है और आप आके इनको ये चार चार बड़ा अच्छा, मैं अल्बर्टा में रहता हूँ, मैं तारीफ कर रहा हूँ अल्बर्टा की, लेकिन इनकी वेबसाइट बड़ी अच्छी है और इसमें सारा दिया हुआ है कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना है, फिर एप्लीकेशन डालनी है, एप्लीकेशन नंबर स्टेज सब ऐसे ऐसे होके ऐसे होना है, और ये आपसे पहले आप ऑनलाइन भरेंगे इनकी, आप अल्बर्टा भर सकते हैं, आप ओंटारियो भरना वहाँ भर सकते, कहीं भी किसी भी जहाँ भी भरता मतलब आपकी एप्लीकेशन लगती है आप भर दें। तो स्टेप 1 है आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन डालनी है सारी, और उसके बाद फिर आपकी एप्लीकेशन की वेरिफिकेशन होगी, आपका एक्सपीरियंस को वेरीफाई करेंगे वो जो मिडिल ईस्ट से आपने किया है, उसमें 4 से 6 हफ्ते लग सकते हैं, और उसके बाद एप्लीकेशन स्टेटस आपको वो बताएंगे कि भी आपका जो एक्सपीरियंस है वेरीफाई हो गया नहीं हो गया, दिख रहा है? जी सर, देखा। जब वो होगा अप्रूव हो गया एक्सपीरियंस, तो कंटिन्यू स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 फिर ये आपका फिर एग्जामिनेशन होगा, ये इसको प्रैक्टिकल भी एग्जामिनेशन कहते हैं, और आपके एम्प्लॉयर से लेटर लेंगे और जो भी इनको एग्जामिनेशन आपको करना है रेफ्रिजरेशन का तो वो करेंगे, टेस्ट लेंगे, और उसके बाद फिर आपका एग्जाम को अगर आप फेल हो गए तो दोबारा लिख सकते हैं, फिर आप रिजल्ट देके दे देंगे, और अगर आप इसमें पास हो गए, आपके पास 18 महीने हैं इसका एग्जाम पास करने के लिए, अगर फेल हो गए तो दोबारा कर सकते हैं, तो उसके बाद जब आपको हो जाएगा तब आपको वो सर्टिफिकेट मिल जाएगा, और ये सर्टिफिकेट जो कहते हैं, जो इस सर्टिफिकेट से आप अपनी जॉब भी अप्लाई कर सकते हो और काम भी कर सकते हो अल्बर्टा में कहीं पर भी, इनफैक्ट ऑल ओवर कनाडा विथ गेटिंग टू रेड सील, और उसके बाद आपकी एक्सप्रेस एंट्री की फाइल भी आपकी वो उस पर लग जाएगी। जो जो मेन चीज है पता करने वाली वो ये है, एक चार्ट है उसमें, चार्ट में दिया है कि कितने घंटे आपको एक्सपीरियंस चाहिए, दिख रहा है, नजर आ रहा है आपको आ रहा है मुझे। क्या क्या लिखा हुआ है बताएं? रेफ्रिजरेशन कहाँ कहाँ गया, रेफ्रिजरेशन वाले कहाँ गए भाई, रेफ्रिजरेशन ये आ गया, रेफ्रिजरेशन वो सही, मैंने उसमें भी टैरी में भी है, 9,000 सबसे ज्यादा है, जी सर, इसमें 6 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, दिख रहा है ये?
जी सर 9,360 आवर्स, इतने घंटे का एक्सपीरियंस आपके आपके पास है तो आप इसको फॉर्म भर सकते हो, नहीं है तो फिर बाय बाय। ठीक, तो सर मेरे पास जो है अप्रोक्सीमेटली 5.5 साल का सर कुछ एक्सपीरियंस बनता है फॉरन और जो सर है। जी, सर जी आपके सामने है, जी सर आपको 72 मंथ्स हो गए, कितने हो गए, व्हाटएवर दैट, 6 इयर्स प्लस 6 ईयर, जी सर और घंटे बनते हैं 9,360 घंटे, और ये आपको एम्प्लॉयर से, सारे एम्प्लॉयर से लिखवाना पड़ेगा कि कितने कितने घंटे आपने वहाँ काम किया है, उसके हिसाब से वो देखेंगे, और ये सामने लिखा हुआ है, इसके बारे में जो वेरीफाई वो करेंगे, और अगर हो गया तो ठीक है, इसमें कोई भी बाहर का कंसल्टेंट इंटरफेयर नहीं कर सकता इसमें, ठीक है सर। ठीक है, जब तक आपके घंटे पूरे नहीं होते तब आप इसको भर नहीं सकते। और ये जो लिखा है लाल में लिखा है इंटर प्रोविंशियल रेड सील एंडोर्समेंट, मतलब कि अगर आप अल्बर्टा का पास कर लेंगे तो आप रेड सील का एंडोर्समेंट मिल जाएगा, रेड सील का मतलब कि यहाँ से पास करके आप दूसरे किसी और में भी जंप कर सकते हैं। ठीक सर, समझ क्लियर गया हो गया, बातें थोड़ी क्लियर हो रही हैं जी सर, क्लियर हो रही है जी। तो ये चक्कर है, तो इसमें अगर आपको भरना है तो इसके आपको रिक्वायरमेंट पता लग गई, अब आप उसका देख लें, बीसी का देख लें, उसका वेबसाइट है ITA BC। हाँ जी सर, ऑन्टारियो का पड़ा हुआ है मेरे पास, जिसमें उन्होंने 4,500 घंटे मांगे हैं। मेरे को दिखाए ना वो, कहाँ डॉक्यूमेंट दिखाए, अगर वो कर, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको वो एक्सेप्ट कर रहे हैं एग्जामिनेशन के लिए तो ले लें आप, लेकिन ये है कि अब इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर क्या है, इसमें बीसी वाले कितने घंटे मांग रहे हैं, तो घंटे के हिसाब से है, हर जगह के उन्होंने अपने स्टैंडर्ड का रखा है, तो रेफ्रिजरेशन वाले कहाँ गए भाई, बीसी में रेफ्रिजरेशन, रेफ्रिजरेशन ये है, रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशन मैकेनिक, रेड सील ट्रेड है, ये भी रेड सील ट्रेड है यहाँ पर, तो रेड सील आप ले जाओगे, इनको पास कर लोगे तो रेड सील ले जाओगे, और ये दिख रहा है स्क्रीन पे, नज़र आ रहा है, ये है ब्रिटिश कोलंबिया का, दिख रहा है जी भाई साहब जी सर, आ रहा है बिल्कुल जी, और ये भी दिया हुआ है करंट, ये वो काफ़ी कुछ दिया हुआ है, पर्सनल प्रोग्राम इंफॉर्मेशन, गाइडेंस ऑफ इंटर प्रोवेंशियल, ठीक है, चैलेंज, इसको चैलेंज करना है एग्जामिनेशन को, तो इसमें कितना चाहिए इंस्ट्रक्शन यहाँ पे पता लग जाएगा, डाउनलोड करो पहले तो इनको, नज़र आ रहा है स्क्रीन पे ना सारा आपको दिख रहा है, क्योंकि हम जो जो बातें हैं सारी खुली बातें हैं, कोई छुपाने वाली हमारी सीक्रेट नहीं है, एवरीथिंग इज़ राइट हियर, और अगर कोई डाउट होता है तो हम यहाँ से कॉल कर लेते हैं, इनका नंबर दिया है, वह भी कॉल करके पूछ भी सकते हैं, तो है। इसमें कितने एक्सपीरियंस, कितने घंटे मांग रहे हैं भाई साहब, प्रीटी मच से समवेयर समवेयर, लिखा नहीं है घंटे का, कहने मतलब भी आपको वहाँ पर सारे एम्प्लॉयर से जो घंटे का ना वो उसको करवाना पड़ेगा, तब जाके मालूम पड़ेगा कितने घंटे चाहिए। ठीक है सर, मैंने एक PDF निकाली है आपके लिए, जिसमें ऑन्टारियो का दिखाना चाह रहा हूँ मैं आपको। आप दिखाए खोल के मेरे को अपने स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, स्क्रीन जैसे मैं स्काइप पे कर रहा हूँ वैसे कर सकते हैं। जी सर, कुछ आप देख सकते हैं सर इस वक्त? जी 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 हाँ जी हाँ जी देख रहा हूँ। ये सर मैंने जो है ऑन्टारियो कॉलेज का है ट्रेड का, एक सेकेंड जी, हाँ बताए, हाँ सर, ये अब इस फाइल के अंदर लास्ट में जो है इन्होंने आवर्स बताए हुए हैं, दिखाए ट्रेड स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, या सर नहीं, ये एडिशनल आवर्स है, ये एडिशनल आवर्स, फुल आवर्स नहीं है, ऊपर जाए सबसे, यू आर लुकिंग इस ऊपर, ठीक है ये वो नहीं है, या दीस आर एडिशनल आवर्स, देयर इज समथिंग एल्स, दीस आर नॉट द, मेरे को लगता नहीं कि इतने कम घंटे होंगे, बाकी प्रोविंस में अगर इतने 9,000 घंटे मांग रहे हैं तो ये आधे कैसे मांग लेंगे, कुछ ना कुछ कुछ है बात, ठीक है या
बहरहाल एक्चुअली देखो बात ये है कि घंटे चाहे जितने भी हैं, इनके घंटे जितने भी हैं जहाँ भी हैं, आपको एप्लीकेशन उसके हिसाब से आपको पूरी करनी है। और ये देखिए आप बहुत जल्दी जल्दी जा रहे हैं, शायद वो धीरे से निकलना गया हो। ये धीरे धीरे करें, धीरे करें, धीरे करें, और नीचे जाए, नीचे जाए। या इट्स नॉट शोइंग समवेयर। एक एविडेंस रिक्वायर्ड टू प्रूव एविडेंस। आपको एम्प्लॉयमेंट लेटर चाहिए, देखो ये चाहिए आपको, सारे सऊदी से चाहिए आपको एम्प्लॉयमेंट लेटर चाहिए, कितने घंटे का, ये वो घंटे भी लिखे हैं, कंपनी का एड्रेस, डिटेल का, आपने क्या क्या काम किया। नीचे जाए, सेल्फ एम्प्लॉयड अगर वो, चलो नहीं है वो चीज़, तो ये आपको चाहिए, बड़े घंटे लिखे नहीं इन्होंने कहा है। ये छोड़ें इसको। आई थिंक सर ये वही है जो लास्ट में एडिशनल शायद आई होप सो। आई यू नो अगर नहीं है तो मतलब प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन आप इसको थोड़ा सा देख लें, मैं अपने आप से देख लेता हूँ, क्योंकि ये मेरा काम नहीं है एक्चुअली। मेरा जो काम, असली काम है वो आपको वीज़ा दिलाना। बात यह है कि आपने इसको एग्जामिनेशन ले लिया और आपको वो कहते हैं कि एग्जामिनेशन देने आओ, अब वीज़ा कैसे मिलेगा? जो कैनेडियन एम्बेसी जो है, जो कैनेडियन, ये तो अपेंडिक्स सी है भाई, रिकॉग्नाइज आवर्स, क्रेडिट फॉर रेडिटेज, एडिशनल आवर्स हैं कुछ जी सर और एग्जिस्टिंग सर्टिफिकेट के अलावा है, ये वो नहीं है। चेक ऑन है, अपेंडिक्स ए और बी देखें आप। अच्छा अपेंडिक्स ए और बी। सर ये लास्ट सर इन्होंने यहीं पर दिया हुआ है सिर्फ जो है इस ट्रेड के लिए आवर्स जो है। चलो एक सेकंड रुक जाओ, मैं देख लेता हूँ अगर कुछ मिलता है मेरे को यहाँ से, क्योंकि इनकी वेबसाइट बड़ी ही बेकार वेबसाइट है, इसलिए मेरे को उनका ये पसंद नहीं है कि ये कैसे कैसे इन्होंने वो यू नो आई डोंट नो हाउ दे मेक दिस वेबसाइट। हमारे यहाँ की वेबसाइट बिल्कुल क्लियर है, उसमें सब कुछ ओपनली दिया हुआ है, इसमें अच्छी कुछ कुछ बातें इन्होंने पीछे हाइड कर रखी हैं या वट एवर। सो यू नो दैट्स आई एम ट्राइंग टू सी इफ आई कैन फाइंड इट, पर बहरहाल जो बात यह है कि आपको कहीं भी, आपको एग्जाम, आप ओंटारियो ले लो या बीसी ले लो या कहीं पर भी ले लो आप, वहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, और रजिस्ट्रेशन वो जब वो आपको एक्सपीरियंस मान लेंगे तब तो आपको कहेंगे कि आप कनाडा आके एग्जामिनेशन दो। वो तब आपके पास वीज़ा है? वीज़ा तो है नहीं। नहीं सर मेरे पास वीज़ा नहीं है। सर इसमें मेरा एक ये क्वेश्चन है कि आपसे जैसे इन्होंने 6 साल मांगे तो इसके साथ सर क्वालिफिकेशन मुझे क्या सपोर्ट कर सकती है जो मेरे डिप्लोमे वगैरह और जो मैंने लास्ट। उससे मतलब नहीं, उनको कोई डिप्लोमा की जरूरत नहीं है, उन्हें तो एक्सपीरियंस देखना है, डिप्लोमा से कुछ नहीं होता। ठीक वो और डिप्लोमा सर मैं ठीक है आपके पास कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन दे वांट टू सी द एक्सपीरियंस, आपका एक्सपीरियंस। कई लोग होते हैं जिनके पास डिप्लोमा बिल्कुल नहीं है लेकिन एक्सपीरियंस है, तो वो उसको उसको चल जाएगा। ठीक है तो सर इसमें एक जो मैंने लास्ट सर लंदन का किया था जैसे यहाँ कनाडा का के लिए लाइसेंस चाहिए इसी तरीके से यूके के लिए सिटी एंड गिल्ड्स हैं हाँ जो वेरीफाई आई थिंक ऑल ओवर द वर्ल्ड तो है। अब कनाडा उसे रिकग्नाइज करता है या नहीं करता इसे मुझे कंफर्म नहीं है तो वो क्या मुझे सर यहाँ इस सिनेरियो में कुछ सपोर्ट कर सकता है। वो क्या दिखाओ जरा, कैसे क्या दिखता है, क्या लिखा है उसके अंदर? सर ये मेरा डिप्लोमा है इसमें रेफ्रिजरेशन के अंदर आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। हाँ देख रहे हैं, ये तो डिप्लोमा है ना, आपका लाइसेंस नहीं है, इंग्लैंड का लाइसेंस कहाँ है सर ये इस सर ये लेवल 2 जो है जिस तरह हम कनाडा के लिए जो जिस तरह वो एंडोर्समेंट कह रहे हैं ये सेम सर चीज़ उन्हें रिक्वायर्ड है ऑलमोस्ट जो है एम्प्लॉयर्स को वहाँ पर। वहां पर होगा, लेकिन यहाँ पर चलेगा नहीं, यहाँ नहीं चलेगा। यू नो आई कैन चेक इट आउट एक्चुअली इफ यू
यहाँ पर एल्बर्टा वाले में, एल्बर्टा में तो मान लेते थे कहीं किसी कंट्रीज के अगर हैं आपके पास तो एल्बर्टा वाले मान लेते हैं ये लोग। ओंटारियो वाले क्या कर रहे हैं, क्या अपनी खिचड़ी पका रहे हैं, ये मुश्किल। एल्बर्टा वाले मान लेते थे कुछ कंट्रीज के, जैसे अमेरिका के, ऑस्ट्रेलिया के मान लेते हैं ये लोग, और ये नहीं मानेंगे क्योंकि दिस इज नॉट अ लाइसेंस। ये आपने पढ़ाई करी है लेकिन ये वो नहीं है, यू नो यू अंडरस्टैंड कि ये लाइसेंस हमारा है, जो लाइसेंस देते हैं ना, जिसको लाइसेंस कहते हैं, उससे एजुकेशन से कोई मतलब नहीं है। अगर ठीक उनको एक्सपीरियंस के बेस पे लाइसेंस दे दिया तो वो लाइसेंस का आपको लिखा होगा कि यू आर क्वालिफाइड फॉर रेफ्रिजरेशन फॉर, ऐसे ऐसे लिखा होगा। ठीक तो अगर मैं जाके लंदन में जाके PhD कर लूँ रेफ्रिजरेशन में और मैं बोलूँ जी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से मैं PhD मैं करके आया हूँ रेफ्रिजरेशन से, मान मानो कि नहीं, लाइसेंस चाहिए। ठीक है ठीक है, जैसे हम गाड़ी चलाते हैं, कार चलाते हैं, तो मैं कार की कोई PhD कर लूँ, कार कैसे चलेगी क्या होगा, वो कह रहे कार हमें PhD से मतलब नहीं है, लाइसेंस है कार चलाने का वो दिखाएं आप। ठीक तो सर, लेकिन ये अप्रोक्स जो है ऑलमोस्ट सर, कितने ये रुपए लगेंगे? एम्प्लॉयर जो है इस जो है लेवल 2 के लिए सर डिमांड कर रहे हैं वो लोग। अरे वो एक अलग बात है, वो एक अलग बात है। देखो आपने जो कहा है ना, इसका कोड नंबर बोलना आप जरा प्लीज, इसका रेफ्रिजरेशन का। जी सर, ये है सिटी एंड गिल्ड्स IBQ Level 2 नहीं, सिक्स। आप उनको NOC कोड बोलो यार, वो उसका इंग्लैंड का नहीं, जो NOC कोड है रेफ्रिजरेशन का वो बोलो आप। सर NOC 7313 सर। 7313, एक सेकेंड। आप कोई सी एम्प्लॉयर से बात कर रहे हो कनाडा में, क्या कर रहे हो? नहीं सर, एम्प्लॉयर से तो मेरी कुछ लिंक नहीं है, लेकिन सर ऑलमोस्ट जो है आपको पता है रेगुलेटेड बॉडी में हूँ मेरा मेरा प्रोफेशनल, तो इसके लिए जो है उनको वहाँ की क्वालिफिकेशन चाहिए चाहिए हाँ मैं आपको इस। बता मैं बता मैं बता देता हूँ आपको, मैं आपको उसका इसके बता देता हूँ। अगर आपको ये अगर नौकरी के लिए बात करनी है तो कुछ कुछ जो हमारे सूबे हैं वहाँ पर एक कंपलसरी है और कुछ सूबे हैं कंपलसरी नहीं है, उसका आप दिखा देते हैं स्क्रीन पे। मैं आपको एक एक लिंक भेज देता हूँ, वो आप देख लो। अगर आपका ये बंद कर दो अपना स्क्रीन आप, मेरे ख्याल मैंने आपको लिंक दिया है, वो खोलो जरा। खुल गया लिंक, ठीक खुल गया भाई। सर, लोडिंग ले रहा है थोड़ा सा। तो अगर आपको जॉब चाहिए, अगर आपको कोई एम्प्लॉयर जॉब देने को तैयार है, तो कुछ सूबे हैं जहां आप आपको बगैर लाइसेंस के जॉब दे सकते हैं। ठीक सर, तो सर ये इनमें से कौन से सूबे हैं सर, क्या आप मुझे गाइड कर सकते हैं? आप खोले ना, इसको खोले, बता देते, देखो इसको खोले। जी सर, आगे कनाडा की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन एंड कंडीशन नीचे डोमेस्टिक नीचे जाओ, नीचे लिखा है एम्प्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट्स लिखा है, वहां जाओ आप, जी सर। वहां लिखा हुआ है कहाँ कहाँ पर कंपलसरी है, कहाँ पर वॉलंटरी है, लिखा हुआ है। एम्प्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट कॉम्बिनेशन ऑफ ओवर 5 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस सर, या देख तो या और 5 साल के ओंटारियो में, एक्सपीरियंस मांग अल्बर्टा रहे। में कंपलसरी है, वहां पर आपको जॉब नहीं मिल सकती। उसके उसके बाहर जहां पर जो जिनके सूबे के नाम नहीं लिखे हैं वहां पर, उसके अलावा अगर आपको जॉब मिलती है तो कोई भी एम्प्लॉयर आपको जॉब दे सकता है, सरकार आपको मना नहीं करेगी क्योंकि वहां पर कंपलसरी नहीं है। ठीक सर, अगर यहाँ देखें तो एम्प्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट में भी इन्होंने यही लिखा है कि कम्बिनेशन ऑफ ओवर 5 ईयर ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस इन ट्रेड, तो तो इसके 5 ईयर बाद तो आपके पास है ना ऑलरेडी है। जी सर 5.5 साल हैं सर ऊपर ही है। नहीं ये रिक्वायरमेंट अलग है, रेफ्रिजरेशन वो जो रेड सील की और क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट कुछ अलग होते हैं, इनसे मतलब नहीं है। अगर मैं तो आपको ये कह रहा हूँ कि अगर आपको जैसे एक आई मीन जस्ट टेक एग्जांपल ऑफ प्रिंस एडवर्ड आइलैंड, एक सूबा है हमारा, अगर वहाँ पर कोई एम्प्लॉयर आपको रेफ्रिजरेशन की अगर कोई नौकरी देना चाहे और आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है और लाइसेंस भी नहीं है आपको कनाडा का, फिर भी आपको जॉब वो देता है, उसके बेस पे आप अपनी
वर्क वीजा की फाइल आपने कैनेडियन एम्बेसी में लॉन्च कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, और वो इस स्पेस पे मना भी नहीं कर सकते आपको। ठीक है, तो सर ये क्या कनाडा में रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग के काम के लिए लाइसेंस नहीं चाहिए? सर जी वही तो मैं आपको बता रहा हूँ, यही तो लिखा हुआ है क्लियरली कि कुछ सूबे में, जैसे आपके पाकिस्तान में कितने सूबे हैं? चार हैं, जी सर, पंजाब, सिंध और और सर न्यू ब्रांसविक के अंदर और क्यूबेक वगैरह के अंदर सर यहाँ जी पर चाहिए। मैं आपसे पहले पहले पाकिस्तान की बात कर लें, पंजाब में कितने सूबे हैं? और सर जो है पंजाब, सिंध और हमारा बलूचिस्तान और बलूचिस्तान केपी और चौथा की सर। केपी की। अब चार सूबे में से हो सकता है कि पंजाब वाले कह रहे हैं जी हमें तो वो बंदा चाहिए जो लाइसेंस का काम, लाइसेंस लेके काम कर सकता है। सिंध वाले कह रहे हैं जी हमें तो बगैर उसके लाइसेंस के आ जाओ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। वही वही कनाडा वाले कह रहे हैं। तो इसमें जो रिक्वायरमेंट है वो सूबे सूबे से फर्क हो रही है, पूरे पाकिस्तान की बात नहीं है, पूरे कनाडा की बात नहीं है। तो जिस सूबे का नाम नहीं लिखा है उस सूबे में आप जाके नौकरी ढूंढ सकते हो, ये मैं कह रहा हूँ आपसे। सर ठीक है सर, मैं अभी बात इसमें समझ गया कि जहाँ रिक्वायरमेंट नहीं है लाइसेंस वगैरह की, वहाँ मेरा फोकस रहे। सर अब ये है कि आप सर इसमें मेरी कुछ हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि ओवरसीज जो है एम्प्लॉयर मुश्किल ही जो है बंदा लेने के लिए रेडी है कैनेडा। उसके बारे में मैं क्लियर कर दूं, मैंने पहले भी क्लियर कर दिया, मेरे पास ऐसा कोई जुगाड़ नहीं है कि मैं नौकरी ढूंढूं, मैं वो काम नहीं कर सकता। मेरा काम सिर्फ इतना है, और इसमें इसमें भी कोई गारंटी नहीं है लोगों की। फर्ज करो कि आपने रेड सील का रेड दो दो अलग अलग सूरत हाल पे बात करते हैं। फर्ज करो कि आपने रेड सील के लिए आपने ऑनलाइन अपनी भर दी, चाहे ओंटारियो में भर दी, चाहे बीसी में भर दी, चाहे अल्बर्टा में, कहीं पर भी आपने ऑनलाइन एग्जामिनेशन का आपने डाल दिया। उनके पास जब आपके घंटे पूरे होते हैं तब वो आपको बुलाते हैं कि भी ठीक है जी आप आइए टेस्ट देने आइए। तो आप उनसे बोलो कि भाई टेस्ट देने मैं कैसे आऊं, वो कहता है वीज़ा अप्लाई करो। जब आप वीज़ा की एप्लीकेशन विजिटर वीज़ा एप्लीकेशन लेके पहुंचते हो कैनेडियन एम्बेसी इस्लामाबाद में, तो वो कहते हैं भाई सफ़ीर आप घर बैठो, आपको जाने नहीं देंगे, क्योंकि एक बार गए आप तो मुड़ के वापस नहीं आओगे। बात खत्म हो ठीक गई, जी क्योंकि इसके सर, आपके पैसे भी ब्लॉक हो गए वहां पर, वो भी एप्लीकेशन के पैसे भी गए और वीजा की फीस भी गई, और यहाँ जीरो के जीरो फिर हो गए। यहाँ पर मेरा रोल शुरू होता है, अब यहाँ पर मेरा रोल शुरू हो जाएगा। तो मैं वीजा ऑफिसर को जो एक लेटर लिखूंगा और उनको अप्लाई करूंगा, मैं उनको कन्विंस करूंगा कि सफीर खालिद को आप वीजा दे, ये एग्जाम देने जा रहे हैं, और एग्जाम देने के बाद ये इंशाल्लाह 1 हफ्ते 2 हफ्ते में अपना देखिए। वो ये काम समझाना ये मेरा काम है, थोड़ा समझ ठीक गए है, कहाँ पर है। जितने भी शुक्रिया। आपने जो हमारे वीडियोस देखे हैं रेड सील वाले, जितने भी क्लाइंट्स हैं, इसमें से एक बंदा सिंगापुर का था, दूसरा वहाँ जो अभी इंडिया में है ऑटोमोटिव का काम कर रहा है, उनको वीजे जो मिले हैं मेरे, वो मेरे से पहले ही एक एक दो दो बार रिफ्यूज हो चुके थे। जी तो देखिए सर, तब तब मैंने उनको, मेरा काम है वीजा ऑफिसर पे अपना वो लॉजिक डालना, ठीक है ठीक है, वो मेरा काम है। बाकी अब जॉब ढूंढना मेरा काम नहीं है, समझ गए आप? करीब ठीक है, मैं समझ रहा सर। हाँ। सर अच्छा अब दूसरी दूसरी एक और बात है, जैसे जैसे कि अगर आपको कोई जॉब मिलता है कहीं से, अब जॉब एक मेरे को, मैंने कराची का एक बंदे को मैंने एक्चुअली इंटरव्यू भी किया था अभी 1 आध महीने पहले, उसको भी जॉब मिली है मैकेनिक की, आपने शायद उसको देखा है वीडियो के नहीं, मैं आपको बता दूं, उसमें आप सर्च कर लेना, उसको भी ओरिजिनल जॉब मिला है। उसने सर्च किया ऐसे गूगल पे सर्च करके वो सब किया उसने, और को मिला, उसका इंटरव्यू हुआ और उसको जॉब भी मिल गया, पर उसके बाद मेरे अपने आप किया उसने, नॉट थ्रू मी, लेकिन मतलब कि जॉब मिलती है। आप ये ना सोचे कि आप बाहर बैठे हैं ओवरसीज में, कनाडा की कंपनी मेरे को कैसे जॉब दे देगी। आप कम से कम 100 रेज्यूमे डालेंगे, 100 बार लोगों से रोज ईमेल डालेंगे, और एक आध बार तो कोई ना कोई आपको आपकी तरफ इंटरव्यू लेगा, और फिर आपकी नॉलेज है, फिर आपका कॉन्फिडेंस है। तो दूसरी बात यह है कि जब आपके पास जॉब आती है सपोज किसी ऐसे ऐसे प्रोविंस से जहां पर लाइसेंस नहीं चाहिए, और तब आप जब आपको वर्क वीजा अप्लाई करते हो, जिसको कहते हैं जॉब वीजा अप्लाई करते हो, तब भी कोई ऐसी गारंटी नहीं है कि जो कैनेडियन वीजा ऑफिसर बैठा है, आपका कहाँ पर एम्बेसी है, हाई कमीशन है, इस्लामाबाद में, कराची सर कंफर्म नहीं है, आई थिंक में? कराची में भी है सर ये उनकी। नहीं वो तो छोटी में हो, छोटी होगी, पता नहीं वहां पर वो करते नहीं होंगे। चलो मान लो जहां पर भी हो, तो जो वीजा ऑफिसर, जो कैनेडियन वीजा ऑफिसर बैठा है, वो डिसाइड करेगा कि आपको, आपके पास जॉब भी है, आपके पास एक्सपीरियंस भी है, आपके पास इंग्लिश भी है, आपके पास पैसा भी है, आपके पास सब कुछ सही है, कोई पुलिस का कोई केस भी नहीं है,
फिर भी हम आपको वीजा नहीं देंगे, क्यों? हम नहीं देते वीजा आपको, क्यों? क्योंकि आप लगते नहीं कि आप एक एक दो साल कॉन्ट्रैक्ट के बाद वापस आओगे, तो आपको रिफ्यूज कर देंगे, फिर मेरा रोल शुरू होगा। रोल मेरा, आप थोड़ा समझ जाए, रोल मेरा है सिर्फ जो वीजा ऑफिसर का जो एक जो डिसीजन यस एंड नो है, उसके नो को यस बनाना डिसीजन, वो मेरा काम है। ठीक, बाकी जॉब ढूंढना आपका काम है, और रेड सील का एग्जाम, जो इसका सील का एग्जाम देना, वो आपका काम है। ठीक है, बिल्कुल सर। सर इसमें एक चीज़ ये है कि एम्प्लॉयमेंट को अगर थोड़ी देर के लिए हम साइड पे कर दें, लेट्स सी, अगर वो मिल जाए तो वेल एंड गुड, नहीं मिला तो उसके लिए ट्राई करते रहेंगे अगेन एंड अगेन। सर प्लान बी की तरफ अगर सर चलें तो क्या मैं कनाडा आ सकता हूँ ट्रेनिंग या कुछ अप्रेंटिस या कुछ स्टडी वीज़े के ऊपर एज अ एक्सपीरियंस होल्डर, और साथ में जो है मेरे लास्ट बैकग्राउंड मतलब सेम फील्ड से, सेम एजुकेशन, इसके ऊपर मेरे पास, उसके बारे में अलग से बात करते हैं। देखिए क्या चक्कर है कि वो कई बातें, फिर वो आपका बैकग्राउंड चेक करेंगे कि आप अभी क्या कर रहे हैं, आपकी इंग्लिश कितनी है, ये सब कोर्स करने के बाद अगर आपको ट्रेनिंग अप्रेंटिसशिप तो नहीं है, आपको एक आध साल का कोई डिप्लोमा, मतलब एक साल दो साल का कोई ना कोई डिप्लोमा रेफ्रिजरेशन का, जैसे आपने वो यूके वाले बताया, इस तरह का कोई आपको करना पड़ेगा, तो इसमें बहुत सारी भी, तो स्टडी वीज़ा का एक डिफरेंट चैप्टर है कि स्टडी वीज़ा दे या ना दे। पाकिस्तान से वैसे ही मेरे ख्याल है कि आई हैव सम डिटेल्स, करीब करीब 30% अप्रूवल रेट है। दैट मीन्स के 10 एप्लीकेशन में से 7 एप्लीकेशन वो रिफ्यूज़ करते ही करते हैं, चाहे आप हो चाहे सेकंड पर्सन हो थर्ड पर्सन, वो मान के चलो कि 70% रिफ्यूज़ल करते हैं। और स्टडी वीज़ा करने में फिर आपको सारे डॉक्यूमेंट्स से वो अपने करने पड़ेंगे। पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछ लूँ, उससे मालूम पड़ जाएगा। अभी आप जॉब कर रहे हैं? जॉब कर रहे हैं? जी सर। क्या जॉब कर रहे हैं आप? सर सेम फील्ड है, एयर कंडीशनिंग की, मेरा अपना काम है। मैं लास्ट टाइम जो है पिछले साल ही सऊदी से छोड़ के आया था, तो अब यहाँ पाकिस्तान में कर रहा हूँ। क्या मतलब कितनी सैलरी है आपकी, कितने कितनी कमाई है पर मंथ? सर ये एक नया न्यू बिजनेस है मेरा, मतलब नया साल था पहला, और इसी के अंदर कोविड ने का इम्पैक्ट बहुत बैड पड़ा है, आपको पता है, ओवरऑल इकॉनमी पूरे वर्ल्ड के ऊपर, तो जिसके अंदर कुछ खास तो काम नहीं हुआ ही, लेकिन ये है कि काम मेरा रनिंग में रहा है। यहीं पर थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी कि अगर आपके पास अभी काम नहीं है और काम धीमा है और नहीं चल रहा और इनकम नहीं है, तो एक उन्हें बहाना मिल जाएगा कि ये आदमी काम ना होने के बहाने से कनाडा जाने के फिराक में है। आपके पास वो पाकिस्तान का कोई इनकम टैक्स वगैरह फाइल करते हैं, उसके कोई कॉपी है जिसमें पता लगे टोटल इनकम कितनी है इस साल, पिछले साल? जी सर बिल्कुल है। कितनी कितनी इनकम है टोटल शो करिए उसमें? सर इस साल तो इस वक्त मैंने कुछ टैक्स भरा नहीं है, अभी कुछ उनकी डेट रहती है, वहाँ 5-10 दिन रहते हैं, लेकिन अप्रोक्सीमेटली सर 50,000 के आसपास का जो है काम किया हुआ होगा। 50,000 रुपीज जी पाकिस्तानी पूरे साल का? जी सर पूरे साल का। हाँ तो ये तो बहुत कम है, और क्योंकि जो आप पढ़ाई के लिए अगर आप सोचते हैं पढ़ाई करने जाना है, किसी भी कॉलेज में जाएंगे, एक साल की जो फीस ही कम से कम मेरा अंदाज़ा है कम से कम 16,000 से शुरू होके $20,000 तक होगी एक साल की फीस, और उसमें फिर आपको लिविंग एक्सपेंसेस शो करने पड़ते हैं एटलीस्ट $10,000, तो $30,000 तो यही हो गया पहले शो करने के लिए, तो $30,000 आपके कितने कितने बन गए आपके पाकिस्तानी रुपीस? $30,000 तो सर आई थिंक कुछ काफी ज्यादा रेंज हो जाएगी इस वक्त, 30 लाख रुपए बन गए शायद, 30-31 लाख के आसपास आई थिंक। तो 30 लाख रुपए का बजट शो करना, ये पैसा कहाँ से आएगा? और दूसरा, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप किसी से लोगे तो वो बात खराब हो जाएगी, वो कहेंगे आपके पास नहीं है। तो ये स्टडी वीज़ा का मैं इतने ज़्यादा मैं उससे आपसे वो मुतमईन नहीं हूँ कि भाई स्टडी वीज़ा पता नहीं आपको फिर वो नहीं देंगे, और एक तो आपके पास करंट इनकम नहीं है, करंट इनकम मतलब कि मंथली इनकम वगैरह या सालाना आपकी जो बिजनेस की इनकम काफ़ी होनी चाहिए, तो वो नहीं है इतनी। दूसरा, आपका बैंक अकाउंट चेक करेंगे पिछले एटलीस्ट एक साल का दो साल का कि भी आपके पास कितने इनकम आ रही है, कहाँ से पैसे आ रहे हैं, तो जिनके पास तो सैलरी है जो जॉब कर रहे हैं उनकी तो सैलरी शो करती है कि सैलरी तनख्वाह आ गई, जिनके पास नहीं है जैसे आपके पास नहीं है तो फिर आपको फिर वो बिजनेस की कितनी आपको रिसीट शो करने की पड़ेगी, मेरे को कितने क्लाइंट्स हैं, पैसे कहाँ से आ रहे हैं, तो वो सारा वेरीफाई होगा
कि पैसे आपके ही हैं, असली हैं कि नहीं है। और तीसरा फिर इतने आपको जो फंड शो कर रहे हैं, जैसे आप 30 लाख, तो यही 31 लाख, तो यही हो गया 31 लाख, तो ये तो बेसिक एक्सपेंस है, उसके अलावा अभी और चाहिए पड़ेगा। आप मैरिड हो या सिंगल? मैरिड मैरिड है, तो फिर आपकी वाइफ और बच्चों का क्या होगा उनके लिए? अगर उनको आप वो कहोगे, वो भी जाएंगे, उनको अकेले छोड़ के यहाँ पर रहना वो भी पॉसिबल नहीं है। सर, मेरे पास कुछ जो है पेरेंट्स की सपोर्ट्स है जिसमें मैं कुछ पैसे वगैरह अरेंज कर सकता हूँ और अपने बीवी बच्चों का जो है रिस्की है खर्च ना, वगैरह चला सकता हूँ। मैं एडवाइस नहीं करता सर जी, रिस्की है। मैं मेरे को लगता नहीं है, बेस्ड ऑन ये दो तीन बातों से मेरे को लगता नहीं कि आपको स्टडी वीजा देंगे। आपकी फीस भी खराब हो जाएगी, और आपको फीस पहले जमा करनी पड़ती है कॉलेज में, पहले मतलब इन एडवांस पहले जमा करोगे, और फिर जाके अगर आपका वीजा नहीं लगा तो फिर आप पैसे वापस मंगाओगे, उसमें वो काट लेंगे $200-300 ज्यादा वो काट लेंगे वहां पर। तो ये थोड़ा सा गेम थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। फिर आखिरी बात है, फिर आपका IELTS इंग्लिश का वो स्कोर मांगे कि भाई आपके पास इंग्लिश का कितना है। तो ये तीन चार चीजें जब होंगी, मुकम्मल होंगी, तब जाके आपकी फाइल तैयार होगी कि भी हाँ अप्लाई करो। और जैसे मैंने आपको बता दिया कि अप्रूवल रेट, आपकी उम्र भी 30+ है, 30+ है ना, सर 28 ट्वेंटी अंडर सर चलो इट्स गोइंग इट्स मोर देन 25 स्कोर। तो आपका जो एक रेगुलर आपकी स्टडी वीजा फाइल, और एक रेगुलर जो एक छोटा सा बच्चा है जिसकी उम्र 18 साल 19 साल है, वो एक स्टडी करने जाता है एफए के बाद, उसकी में जमीन आसमान का फर्क हो जाता है। तो इसलिए आपका अप्रूवल रेट बहुत ही कम है, और बाकी करिश्मे हो सकते हैं, मैं यही कहता हूँ कि वीजा लग जाएगा। लेकिन आपने पूछा, मैंने आपको राय दे रहा हूँ कि इट्स यू नो, अगर आपके पास इतने पैसे हैं, अगर आप ये गेम खेल सकते हो, अगर आपको पैसे का नुकसान का नहीं वो है तो आप कर सकते हो। लेकिन आपके सामने ही बजट में बता दिया मैंने कितना बजट है, और ये सिर्फ सर। ये 1 साल की फीस की बात कर रहे हैं हम। जब आप वहां जाओगे तो फिर आपको अगले साल के लिए मतलब आपको आप इंग्लैंड गए हो कि नहीं? नहीं सर, मैं इंग्लैंड नहीं गया हूँ। अच्छा, इंग्लैंड नहीं गया। अच्छा, वो वहीं से कराया आपने। तो ये जितने भी मुल्क हैं, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे अमेरिका, कनाडा, ये सारे यहाँ पर खर्चा पानी की तरह होता है। फिर यहाँ पर ऐसा नहीं है कि यहाँ पर वो 10 रुपए किलो टमाटर आलू प्याज मिल जाएंगे वहाँ पर, वहाँ तो फिर वही मिलेंगे जी, 1000 रुपए किलो से शुरू होता है फिर टमाटर प्याज। तो यू नो, ये सब बातें थोड़ी सोचनी चाहिए। बेस्ट तो ये है कि अगर आपको जॉब मिल जाती है ना, तो ये सब पैसे का चक्कर खत्म हो जाएगा। जॉब आप ट्राई करो, जो प्रोविंसेस के नाम लिखे हैं उनको, प्रोविंसेस को छोड़ के, और आप ट्राई करो और उन्हें बताओ अपना एक्सपीरियंस, और ये जो आपने यूके वाला गिल्ड वाला दिया है वो बताओ उन्हें, और फिर जाके देखो शायद आपका कोई किस्मत लग जाए। बाकी जैसे मैंने अब ओंटारियो का, मेरे को अभी भी वो क्लियर नहीं हो रहा है, पता नहीं कहाँ छुपा के रखा है उन्होंने, लेकिन एल्बर्टा का और ब्रिटिश कोलंबिया का आपने देख लिया, 9,000+ मांगते हैं घंटे, आपके सामने ही है। जी तो सर। आई थिंक 6 ईयर्स+ मिनिमम 6 ईयर्स, तो वो वहाँ सर पर मेरा क्वेश्चन था यहाँ पर कि क्या कुछ वोकेशनल ट्रेनिंग्स प्रोग्राम है फॉरनर्स के लिए कनाडा में, क्योंकि वोकेशनल ट्रेनिंग तो यंग एज के लोग ही कर सकते हैं। आपको जो है चलें स्टडी के अंदर तो एक समझ में आती है कि जो है 12th पास जो है या बच्चा जी ये इंटर पास कर सकता है, लेकिन वोकेशनल तो सर ये यंग पर्संस का जो है प्रोग्राम रहता है, तो क्या वो कुछ ठीक ऐसी है, सर वहाँ पर? वो करने करने के लिए सब कुछ है, और करते हैं लोग। करने के लिए स्टडी वीजा चाहिए ना, ठीक आप बाहर से आ रहे हैं, आपके पास PR नहीं है, सिटीजनशिप नहीं है कनाडा की, तो आपको वो कहेंगे कि आप स्टडी वीजा अप्लाई करो। और स्टडी वीजा में वही जो चार जो मैंने आपको जो जो बताए फैक्टर्स है वही वो काम आएंगे, और वो ही उनको एवेल्युएट होगा। और बाकी आप कोर्स जो मर्जी करना करो, कोई कई लोग आ रहे हैं बाहर से यहाँ पर जी, वो पायलट सीखने आ रहे हैं, कई लोग हैं जी हॉस्पिटल का मेडिकल डॉक्टर बनने आ रहे हैं, कई लोग कुछ और करने आ रहे हैं, जो मर्जी इसको करना है कर सकता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन चार फैक्टर्स मैंने बता दिया, आपके पास जेब में पैसा कितना है, पैसे के बगैर तो पढ़ाई कोई भी होती नहीं है, वोकेशनल हो जैसी हो, पैसा लगेगा हर चीज़ में, तो वो चाहिए। दूसरा इंग्लिश चाहिए, IELTS, अगर इंग्लिश कमज़ोर है, इंग्लिश का स्कोर अच्छा नहीं है तो वीज़ा नहीं देंगे वो आपको। तीसरी चीज़ है कि आपको शो करना है कि आपके जिस कंट्री में आप रह रहे हो वहाँ पर आपका कनेक्शन क्या है। अगर आपने पहले ही बोल दिया कि भाई सऊदी की मेरी जॉब खत्म हो गई, यहाँ पर मेरे पास कुछ नहीं है, कोविड डाउन ने कर दिया, मैं तो जी खाने के लिए लाले पड़ रहे हैं यहाँ पर, वो कहेंगे तो वहीं बैठ बस, इसका मतलब तो एक बार गया तो वापस मुड़ के नहीं आएगा।
तो उसको कहते हैं टाइज टू कंट्री ऑफ रेजिडेंस, तो उसमें उसमें वो है। और चौथी चीज है कि आपके पास जो जो करंट इनकम या ऑफ कोर्स फंड्स आल्सो कनेक्टेड टू फंड्स, करंट इनकम कितनी है, तो करंट इनकम भी हमारे पास नहीं है। अब ऐसे आप अगर मुकाबला कर, अगर जस्ट टू लुक एट कि आपके सामने अगर एक कंपेयर करेंगे कि दूसरा क्लाइंट है जिसके पास फॉर एग्जांपल जिसकी उम्र भी कम है, जिसकी उम्र है 22 साल 23 साल फॉर एग्जांपल, और वो नौकरी कर रहा है यहाँ पर, उसके पास एक मंथली तनख्वाह बंधी तनख्वाह आ रही है, और उसके पास ऑलरेडी कम से कम 15 से 20 लाख रुपए पहले से उसने सेविंग्स में पैसे जोड़ रखे हैं पाकिस्तान में पहले से, पुराने फंड्स मतलब के नए फंड्स नहीं। एक सेकंड होल्ड करना, इसको बंद कर दें जो है। सो जिसके जिसके पास ये सब उसने पहले पैसे अगर वो जोड़ रखे हैं, तो उसके मुकाबले में मतलब आपका देख लो चांसेस ऑफ स्टडी वीजा क्या है, उसका क्या है, तो इस हिसाब से आप देख सकते हो कि आप जो काम करने जा रहे हो और वो मतलब कि कितना कितना फुल प्रूफ हो सकता है। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप ऐसा ना हो कि अपने पैसे फंसा लो किसी कॉलेज में देकर, और वहाँ पर वीज़ा कई कॉलेज शरारत कर जाते हैं वीज़ा के लिए, वो आपको वो पैसे वापस करेंगे, वो कहेंगे जी आपका रिफ्यूज़ हो गया, ठीक है वो करते, वो पैसे वापस करते करते ही 6 महीने हो जाएंगे आपको, और पैसे उसमें से कुछ ना कुछ काट लेंगे, तो फिर आप कहोगे यार वहाँ से भी नहीं नहीं हुए या पैसा में नुकसान हो गया। ठीक है सर, ये जो है एक और सर आजकल एक्सप्रेस एंट्री और FSW जो इन्होंने इनकी स्कीम्स हैं कनाडा की, क्या मैं इसके लिए एलिजिबल हो सकता हूँ? नहीं आप नहीं हो पाएंगे एलिजिबल, जो आपका जो ट्रेड है, जो ट्रेड में आपकी जो इसको कहते हैं फेडरल स्किल्ड ट्रेड क्लास, इसमें दो रिक्वायरमेंट है, उसमें से एक फुलफिल होनी चाहिए, या तो आपके पास जॉब ऑफर हो और दूसरा है या तो आपके पास लाइसेंस हो, जो लाइसेंस आप टेस्ट दे रहे हो, ठीक है, तो इसके बिना आप एक्सप्रेस एंट्री में घुस नहीं पाओगे, मतलब उसमें फाइल करना भी बाकी। आपके पास एक्सपीरियंस है, अगर 5 साल का एक्सपीरियंस वो ठीक है, और इंग्लिश तो कोई ना कोई स्कोर आपको ले ही लोगे, और लेकिन आपके पास लाइसेंस नहीं है, या जॉब, या लाइसेंस ले लो या जॉब ऑफर ले लो, तो आपकी फाइल लग जाएगी। वही ठीक तो है हम पहले हम शुरू में बात कर चुके हैं कि अगर लाइसेंस होगा तो आपको नौकरी भी मतलब लाइसेंस होने के बाद फिर जो यहाँ की कंपनी है उनको एक भरोसा हो जाता है कि भाई ये आदमी ये काम कर लेगा, और अगर और उसकी फिर आपको वो अगर जॉब लेटर देता है तो आपकी फाइल वैसी लग जाएगी। तो जी। ये यही तो फायदा है उसका, यही तो फिर वो वीजा ऑफिसर देख। स्टार्ट एंड जो है कनाडा का लाइसेंस से ही हो रहा है स्किल्ड और जो है रेगुलेटेड पर्संस का, फील्ड वालों का, और क्योंकि हर काम में उनको लाइसेंस चाहिए स्टेट्स के अंदर, और जो आपने जो कुछ स्टेट्स बताएं उनके ऊपर मैं फोकस करता हूँ कि वहाँ पर क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। और जी, आइए मतलब आइए कुछ इसका आइए हम काम। रजिस्ट्रेशन के लिए, तो क्या ये इसे हम इस में कह सकते हैं कि ये इस वक्त इम्पॉसिबल नहीं है लाइसेंस लेने के लिए? नहीं, दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है यार। इम्पॉसिबल की आपने क्या बात कर दी, मैंने आपको वो बताया था ना कि वो कराची मैकेनिक का एक मैंने एक वीडियो डाला था, जी उसको मैं खुद हैरान हो गया, मैंने कहा तूने जॉब ले कैसे लिया, वो कहता मैंने तो बस अप्लाई करता रहा, वहां से फिर पता नहीं कितने रेज्यूमे डाले उसने, और वहां से फिर कॉल आ गया, और फिर बात उनकी क्लिक हो गई। अब तो शायद उसको है पहुंच ही ना गया वो कनाडा, वो जी तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, बाकी ये है कि आप ढूंढें, और मैं आपको शायद दिखा दूं, आपने बताया ना 7313 है ना वो, आपने बताया 7313, लगता है थोड़ा सा पेशेंस लगता है इसमें कि भाई ढूंढते रहें रोज 1 घंटा आप ढूंढते रहें, भाई मिले 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 कुछ, तो ये है। तो जो हमने एक बोला था कि सो इट इज नॉट अवेलेबल, अगर आपको रेफ्रिजरेशन का काम ऐसा भी होता है कि जैसे आप बिल्डिंग्स में करते हो उसमें करते हो, कई वही कई ट्रक भी होते हैं जो जो रेफ्रिजरेटर होते हैं, आपने देखा होगा सऊदी और हमेशा देखा है। जी सर, देखा वो हाँ तो वहाँ पर उस तरह की अगर आपको जॉब मिलती है तो उसमें लाइसेंस बिल भी नहीं चाहिए, ये हर जगह इसमें जैसे अल्बर्टा में भी ब्रिटिश कोलंबिया में भी ये भी वो है। मैं आपको इसका एक बता देता हूँ, लेट मी जस्ट शो यू वन एग्जाम्पल एंड जस्ट टू शो यू हाउ व्हाट दैट इज, इट्स कॉल रेफ्रिजरेशन आई थिंक
ट्रांसपोर्ट रेफ्रिजरेशन मैकेनिक, आई थिंक दैट्स व्हाट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्म, मतलब कि ट्रकों में जो लगे होते हैं ना बड़े बड़े, उसका अनुभव है ये. मैं वो भी आपको, लेट मी जस्ट सर्च थ्रू इट एंड आई विल शो यू इफ आई कैन. रेफर ट्रांसपोर्ट कीजिए हमारे के अंदर कोल्ड स्टोरेज वगैरह, हाँ, जिसको रिफर कहते हैं, जिसको हाँ रिफर कहते हैं. अभी क्या है कि मैं इस पे आ गया हूँ, गवर्नमेंट की वेबसाइट पे आ गया, मैं दिखाता हूँ आपको. एक सेकेंड, आपकी गवर्नमेंट की वेबसाइट दिख रही है आपको? जी सर। जी, तो ये है, ये जॉब बैंक में है, इसको आप वहाँ बैठे बैठे आप कर सकते हो. रात को अगर नींद ना आए तो 1 घंटा स्पेंड कर सकते हो उसमें. तो इसमें हम ऊपर मैंने 7313 टाइप किया और लोकेशन छोड़ दी है. अब मैं अब जो let me see if I want to click on, let's say Nova, ठीक है, Nova Scotia, New Brunswick, Nova Scotia, New Brunswick, ये सब निकाल देता हूँ. और you know I can do, how about Manitoba is done, Alberta, Ontario, Quebec, how about Yukon and maybe New Brunswick? Let's take a look. So, Quebec हटा देता हूँ मैं, New Brunswick, Nova Scotia, New Finland है कि नहीं? I think New Finland Labrador है, maybe it's there or not. Yeah, New Finland is not there. So, अब मैं कुछ उसको, अब जैसे ये है सामने आ गया, मैंने इसको प्रोविंस डाल दी न्यू फिनलैंड की, यहाँ से टाइप करके. जी सर। और यहाँ पर दो मेरे को नौकरी नजर आ गई, और ये आज आज ही जनवरी 11 है, आज ही पोस्ट हुई, दिख रहा है सामने? हाँ, इसे देख रहे सर। तो ये एक सन हीटिंग नाम की कोई कंपनी है, पता नहीं कौन है, देखते हैं कौन है, कौन है. $25 घंटे के देने को तैयार है, एक वैकेंसी है. और ये बोल रहे हैं कि आपके पास इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो भी लिखा हुआ, 5 ईयर्स लिखा हुआ है, सॉरी. एंड एंड दैट्स इट. सो दिस इज अ जॉब दैट यू कैन सी कि भी हमें, अगर इनके पास मेरा पैगाम पहुंच जाए, जैसे आप ये देखो इसमें दिया हुआ है, ये जी ईमेल मैं दिया हुआ देख है शायद, लिखा जी हुआ है. सर। जी सर। तो ईमेल, जब आप इनको ईमेल दिया हुआ है, कोई सीक्रेट नहीं है, इनको आप ईमेल करें और इनसे बोलें कि मेरे पास ये इंग्लैंड का ये जो गिल्ड वाला वो पेपर है, और मेरे पास 5 साल सऊदी अरबिया का है, और मैं अपना काम कर रहा हूँ, आप बस मेहरबानी करके मेरे को एक इंटरव्यू करने का मौका दे दें स्काइप पे, बस इतना करें. उसके बाद जॉब नहीं होगी, जैसी आप फिर मेरी जो स्किल है, मेरी नॉलेज है, बस इतना इतना 3 4 लाइनें लिख दें. ठीक बात समझ गए आपने क्या लिखना है? बस इतना लिखना है और कोई बात नहीं है. और ये जो कंपनी कौन है, इसके बारे में भी अगर आपको देखना है कि बढ़िया कंपनी है कि नहीं है, इसके बारे में भी हम देख लेते हैं. अभी थोड़ा ये पता, ये देखिए, ये कंपनी दिख रही है सामने, दिख रहा है, सामने दिख रहा है कुछ? जी सर देख रहे हैं। हाँ, ये घरों की चिमनी भी नहीं बनाते हैं शायद, मेरे ख्याल ये करते हैं कुछ, आई डोंट नो. फायर प्लेस बनाते हैं, हीट पंप, और ये सब क्या क्या करते हैं सब लिखा हुआ है. तो इनका फोन नंबर भी ऊपर दिया हुआ, देखिए फोन नंबर भी दिया हुआ है, दिख रहा है आपको? जी सर देख रहे हैं। सो इस तरह से आप इनको थोड़ा सा हौसला करके आप इनको करें, और यू नो दैट्स हाउ इट इज. इस तरह से जिंदगी की लॉटरी खुलती है, और तो कोई बात नहीं है. एक सेकेंड होल्ड करना, इनका फोन नंबर मैं फोन नंबर करके देख ही लेता हूँ क्या कह रहे हैं. एक सेकंड होल्ड करना, शायद कोई किस्मत से, आपकी किस्मत से कोई सितारा चमक जाए. सर क्या इन्हें लाइसेंस भी चाहिए होगा? प्लीज कंफर्म कर लेंगे इनसे। मैं अभी पूछता हूँ, अगर उठाएं तो सही. हेलो हेलो, हाय, हाउ यू डूइंग? Good. Hey, I saw your website, the sun heating and air conditioner. I also noticed that you are hiring for a technician, perhaps soon. I think it was posted today. Yeah, we're looking for what type of a technician are you? Oh, I'm not a technician. I know somebody who is trying to find a job, and he has some experience. I encourage him to send his resume to you directly. We have your email address. Is this the one we can send it at? Rhonda David G. rhondadavid@aibn.com. Yeah. Yeah, the one which is posted on JobBank, right? That's the one. Yeah. Yeah. So he is not licensed in Canada, but he has sufficient experience, more than 5 years in Saudi. And I said, you know, why don't you send your credentials and let them take a look? And that's why I just wanted to Yes. confirm
Just wanted to confirm. Yes, no problem. And put his phone number there and email address, and I'll give him a call back. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम, बाय सर जी. आपके सामने बात हो रही है, आपने कुछ इंग्लिश में सुना होगा, उसने कह दिया है, वो गोरा गोरा आदमी था, उसने कह दिया कि कोई प्रॉब्लम नहीं, आप अपनी इन्फॉर्मेशन भेजो. और मैंने मुनासिब नहीं समझा लाइसेंस के बारे में, पर उसे बता दिया कि भाई बाहर का है, 5 साल का, सऊदी अरबिया. आपके सामने बात हुई है, आपने सुनी होगी सर. तो आपके सामने ही है, मेरे पास तो कोई नॉलेज नहीं है, बहुत सोच रहा कि मैच है टेक्नीशियन, मैं नहीं भाई. तो आपके सामने बता दिया कि बाहर से है, वो अप्लाई करेगा. तो इस तरह से आपको अपने जिंदगी का खेल खेलना है भाई. सही, ठीक है सर. ये बस एक ही कंफर्मेशन थी कि जो, जो आपकी तरफ से क्लियर होगी कि कुछ उनके स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर फॉरनर्स जो है एंट्री कर सकते हैं विदाउट लाइसेंस वगैरह के. जी जी जी, वो क्लियर होगी, वो हमने पहले बता दिया. और आपको ये स्क्रीन पे आपको दिखा रहे हैं, बता ही दिया आपको, ये देख रहे हैं आप. तो ये इसको आप नोट कर लें, रेफ्रिजरेशन इसको आप ये नोट ही कर लें. ये है इसका ईमेल एड्रेस लिखा हुआ है. काइंडली प्लीज मुझे गाइड कर सकते हैं? हाँ जी सर. किस स्टेट में था सर ये? ये है अपना, वेयर द हेल इज दिस, न्यू, आई थिंक न्यू ब्रंसविक, आई फॉरगॉट द आइडेंटिटी, विल नॉट फॉरगेट टू आस्क हिम. इट इज इन न्यू फिनलैंड एंड लैब्राडोर. ये वो न्यू फिनलैंड लैब्राडोर है, वहां पर जहां पर समुंदर है, वहां पर वो नियर द ओशन. बट इट्स कनाडा, व्हाट दे आर पेइंग यू $25 एन आवर, सो व्हाट्स द बिग डील. आई मीन कहीं भी चाहो आपको तो जाना ही है, उसमें कोई चक्कर. मैं आपको इसका जो जॉब जो है यहाँ पर, ये टाइप कर देता हूँ. ये देखिए मैंने आपको एक टाइप कर दिया, आपको वो स्क्रीन पे चैट पे आ गया है. इसको आप खोलेंगे तो आ जाएगा. इस तरह से आप कर सकते हैं. आ गया जी सर, मिल गया मुझे. हाँ, इस तरह से आप अपना कर सकते हैं. बाकी तो मैंने तो एक ही है, दूसरा भी है. आई मीन दूसरा भी जॉब है, इसको दूसरे को मैंने कॉल नहीं किया अभी. सो इस तरह से आप कर सकते हैं भाई. ये है कि बाकी स्टडी वीजा में तो बहुत पैसा खर्च हो जाएगा, वो बेखर कोई फायदा नहीं. ठीक है सर, क्या ये विजिट वीजा पे आके वहाँ पर जॉब ढूंढ सकते हैं कुछ इस तरीके का? क्या क्या कहा दोबारा, कहना समझ नहीं आया, क्या करें सर? क्या विजिट वीजे के ऊपर आके हम वहाँ पर कुछ ट्रेनिंग ले सकते हैं या कुछ जॉब ढूंढ सकते हैं अपने फील्ड से रिलेटेड? नहीं, विजिट वीजा आपको मिलेगा कैसे? मिलेगा नहीं ना जी. ये बात तो है सर. विजिट अगर विजिट वीजा ही मिल गया फिर तो आप तो वैसे ही वो दुनिया फतेह कर लोगे. फिर तो विजिट वीजा का चक्कर ये है कि आप वो विजिट वीजा वो देंगे नहीं. ठीक है. अगर सर मेरे पास सर फाइनेंशियल मेरी कुछ स्टेटमेंट भी है लास्ट इयर्स की, तो फिर भी सर उसके अंदर कुछ हेल्प नहीं हो सकती विजिट वीजा? आपका एक्सपीरियंस नहीं, विजिट वीजा आपको नहीं देंगे. आप गलती कर भी मत लेना. विजिट वीजा आपको, मेरे को पता है, शर्तियां नहीं देंगे, क्योंकि 3-4 बातें हैं. अभी आपके पास जॉब इतनी पक्की नहीं है, इनकम अच्छी नहीं है अभी, तो विजिट. और आपने कभी पुराने कभी कंट्रीज में कभी गए नहीं, इंग्लैंड नहीं गए आप, अमेरिका नहीं गए, ऑस्ट्रेलिया नहीं गए, न्यूजीलैंड नहीं गए, इन सब कंट्रीज में आपके वीजे कभी लगे नहीं है. तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप ये झटका खा मत जाना कि अभी आप अपने जोश में आपने कनाडा ला दो, कल आप रिफ्यूज हो गया तो फिर मेरे को कॉल करो रिफ्यूज हो गया. तो विजिट वीजा मत करो आप अभी, जस्ट फोकस ऑन जॉब सर्च. और जहां तक घंटे के हिसाब से आपको पता ही है जहां पर आपके लिखे हुए हैं बीसी का और अल्बर्टा का दिए हुए हैं घंटे, अगर आपके पूरे हो रहे हैं उसके हिसाब से तो आप अपनी रजिस्ट्रेशन करा लो. अगर घंटे पूरे नहीं हो रहे हैं तो यू हैव टू जस्ट वेट, यू कैन नॉट डू एनीथिंग. तीसरा जो ऑप्शन आपने पूछा है स्टडी वीजा का, स्टडी वीजा में मैंने आपको बता दिया कि खतरा भी है, नुकसान भी है, इतना पैसा भी नहीं है आपके पास. तो इसको हम एक पुरानी हमें कहावत है कि गरीबी में आटा गीला, दलाली में आटा गीला. आटा है नहीं हमारे पास, जितना भी उसे पानी पड़ गया तो उसकी आगे क्या रोटी बनेगी. ठीक. तो सर ये मुझे आपकी एक हेल्प चाहिए, स्पेशली आपसे एक फेवर चाहिए कि सर कि आप मुझे अंटोरियो से कंफर्म करके बता सकते हैं कि इनके लिए क्या ये जो है 5,500 आवर्स जो मांग रहे हैं बता नहीं रहे. मैं देख रहा हूँ, अगर मेरे को अगर कोई फोन नंबर मिल जाए तो मैं अभी कॉल कर लेता हूँ आपके सामने, मेरे को कोई चक्कर नहीं है. लेकिन वो बड़े बड़े उस तरह से बात है उनका, मतलब हर चीज का क्लियरिटी नहीं है, इसलिए मेरे को वो लोग पसंद नहीं आ रहे. पर अगर मैं अगर नंबर देख लेता हूँ, अगर नंबर मेरे को मिलता है तो मैं आपको अभी कॉल कर देता हूँ यार. चक्कर आप बोलो और आप बताओ. अगर उठा लेंगे फोन तो, नॉर्मली वो फोन उठाते नहीं है. मैं देखता हूँ आपके सामने फोन कर रहा हूँ, देखो
ठीक है, अगर कहीं बंद ना हो गया, एक्चुअली 2 बज गए, मे बी दे मे बी क्लोज, क्योंकि अब वहाँ पर टाइम उनका थोड़ा सा, लेट मी ट्राई राइट नाउ, 8473000। Welcome to the Ontario College of Trade. Bienvenue à l'offre de métier de l'Ontario pour service en français, faites le test. If you know the extension number of the person you're calling, you enter it at the college will be closing down the walk-in service effective Wednesday, March 18th, and will continue to conduct consistent phone and internet service. We strongly encourage use of our internet service to avoid longer than usual call waiting time. Make a payment or to speak with an agent about general information about the college, please press 1. If you are calling to your call may be recorded for quality assurance and training purposes. वेट कर रहे हैं, देखते कोई आता है अभी, वेट कर। Yes, I have a general question. You know, I'm trying to take the examination for qualification certificate for the Ontario trade. Do you know what I mean? You know, just based on my experience, I like to take the examination to qualify for the qualification trade. Do you want to do a trade equivalency assessment? Absolutely. And I have one simple question for you, and thank you for picking up the call. You know, I'm a refrigeration mechanic from overseas, and how many hours or how many years minimum do I need to even, you know, fill in the application to take the test? You're a mechanic, you said? Refrigeration mechanic, 7313 is the NOC. Yes. Where are you looking this on the website? I cannot find this information on the website. I'm not looking on the website. I'm looking within my internal database. Thank you. Thank you. That's good. Okay, so it's 9,000 hours required. Oh, I'm sorry, how many hours? 9,000 hours minimum, eh? Correct. Yeah, okay. Thank you very much. Thank you very much for time. You're welcome. Bye. Have a great day. Bye. Sir ji, aapne suna kuch? Ji sir, sun liya maine 9,000 hours unhone bataye. Humne aapko pehle keh diya tha ki agar jab Alberta aur BC mein 9,000 plus ho rahe hain to ye 4,000 wo hona possible hi nahi hai aur wo jo aapne pehle dekha tha wo 4,000 additional kuch aur cheez karoga lekin wo usne khatun ne आपके सामने क्लियर कर दिया कि 9,000 घंटे के बिना आप फॉर्म भर ही नहीं सकते। और एक्चुअली ये भी क्लियर हो गया, उन्होंने वेबसाइट पे कहीं लिखा नहीं है, उसने अपने इंटरनल कहीं से बताया और बाकी उन्होंने लिखा नहीं है कहीं पर। तो 9,000 घंटे तो बहुत सारे हो गए, कितने घंटे हो गए आपके? तो 5 अगर आप देखो ना कि टिपिकली हम घंटे कैसे जोड़ते हैं कि अगर एक हफ्ते में अगर आप 40 घंटे काम करते हैं एक हफ्ते में, तो अगर आप एक साल में 1,560 घंटे होते हैं करीब करीब, मोटा मोटा हिसाब है ना, मे बी मोर एक्चुअली, इफ यू जस्ट डू बाय 40 को मल्टीप्लाई करें 52 से, मल्टीप्लाई करें तो सर ये 2080 सर ये, अच्छा 20, अच्छा मैं उस तरफ से उनके 30 आवर्स में देख रहा था। तो 2,000 घंटे बनते हैं, अगर आपको फिर 9,000 चाहिए तो 9,000 के लिए आपको देखेंगे कि आपके अगर आपने 40 घंटे काम किया है, वैसे काम अगर आपने 5 साल से लगातार काम किया है, सो वो सारे घंटों को वेरीफाई करेंगे एक्सपीरियंस से, एम्प्लॉयर से। अगर आपके पास 9,000 घंटे बनते हैं तो आप खेल खेल लो, नहीं है तो भाई आपको रुकना पड़ेगा, बात साफ है। ठीक है सर, इसमें एक चीज़ लास्ट ये कन्फर्म करनी थी कि आपसे सर मेरे पास सर लास्ट जो है 2 एम्प्लॉयर्स के सर रेफरेंस लेटर नहीं है, लेकिन मेरे पास अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके अंदर वीजा और मतलब ज्वाइनिंग ऑफर लेटर और कैंसिलेशन लेटर। ऐसा ऐसा नहीं चलेगा, चलेगा नहीं भाई, वो
ज्वाइनिंग वाइनिंग से बात नहीं होती है, वो ज्वाइनिंग से और वो नहीं बात होती है, उनको पूरा वो प्रॉपर उनको ऑफिशियल लेटर पे चाहिए कि इसने क्या काम किया, ड्यूटीज क्या है, क्या काम करता था एवरीडे, जिस तरह की मशीनों पे काम किया है और क्या क्या आपको नॉलेज है, उस तरह से वो वेरीफाई करते हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ ज्वाइनिंग से कि भी ज्वाइनिंग हो गया, ऐसा नहीं है। ठीक है सर, क्योंकि ये आपको पता है मिडल ईस्ट में सर ये एक बहुत मुश्किल सिनेरियो है एक एम्प्लॉयर से ये ऐसा लेटर लेना जिसके अंदर वो पूरी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी लिख के दे, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने अप्रोच किए हुए हैं रेफरेंस लेटर के लिए, लेकिन आपको पता है कंपनी रिजाइन करने के बाद इस वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन के जो है वहाँ से कुछ लेटर लिया जाए रेफरेंस। जी जी, अब क्या मैम मैं क्या बोलूँ उसके बारे में कि अब ये कैसे हुआ नहीं हुआ, कोशिश करो जो आपके पास अगर हो सकता है तो है ठीक है भाई, अगर नहीं हो सकता तो यू नो जो भी कुछ करवा सकते हैं, जो भी कुछ वो लिख सकते हैं तो आप ट्राई करें। बाकी एक जो यू नो जिसको जैसे वो वेरीफाई करते हैं उन्हें एक सर्टेन इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है कि भाई ये होनी चाहिए, अगर नहीं होगी तो फिर वो मतलब वो आपको मना चक्कर है, हर एक चीज़ अप्लाई करने के लिए पैसा चाहिए, पैसा मतलब आपको एप्लीकेशन फ़ीस डालनी है और फिर वो एप्लीकेशन फ़ीस आपकी वो रिफंड नहीं होगी और चला जाएगा। इसलिए जब तक आपके पास ये देखिए ना मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या आई विल जस्ट शो यू कि लेट मी जस्ट शो यू जैसे होल्ड करें जरा, तो डिटेल में चाहिए पड़ता है ये मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने आपको लिख दिया उसमें चैट पे, इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको डिटेल में चाहिए पड़ेगी, इतनी ऐसी तरह की इन्फॉर्मेशन, एम्प्लॉयमेंट लेटर, लेटर एड, उनका कॉपी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है अगर अपना काम है, उनका मालिक का नाम, फ़ोन नंबर, पता, किससे उनसे वो सीधे बात करेंगे, मतलब कि सीधे फ़ोन पे बात करते हैं वो जो आपकी कंपनी है पुराने एम्प्लॉयर से। ठीक है, सो इस तरह की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए पड़ेगी, आपकी जो तनख्वाह कितनी मिली है, आपको कब कब मिली तनख्वाह, ये भी पूछेंगे, तो ये सारी बातें हैं। अगर आपको लगता है कि कन्फर्मेशन इतने घंटे की हो जाएगी तभी एप्लीकेशन करने की ज़रूरत है, अदरवाइज इट माइट बी अ वेस्ट ऑफ टाइम। आपका जो अभी आप अपना अपनी दुकान चला रहे हो ना, इसका भी एक्सपीरियंस काम आएगा। जी सर, सर मैं इसलिए है सर, मेरे पास अपना डॉक्यूमेंटेशन पूरी है अपनी, मेरी लास्ट जो भी फील्ड वर्किंग्स और जो है एजुकेशन से रिलेटेड हुआ है। चलो इट्स यू हैव टू मेक अ डिसीजन कि अगर आपके पास लगता है कि अगर आप सेटिस्फाइड हो कि आपके पास इतने सारे डॉक्यूमेंट्स हो जाएंगे तो आप करके देख लो। उनकी तो फीस है मेरे को अल्बर्टा की फीस पता है, आप बाकी इनको आप ओंटारियो जैसे आपको पता है दे आर नॉट वेरी क्लियर, अल्बर्टा ने $450 चार्ज करने हैं नॉन रिफंडेबल फीस, चाहे आपकी एप्लीकेशन पास होती है नहीं होती है, तो यू नो एंड दे हैव टू चार्ज दिस। सो अगर आपको लगता है कि you know whatever that is, आप ये जो अल्बर्टा का मैंने आपको एक लिंक आपको मैं दे रहा हूँ तो आप इसको देख लो कि इसमें काफ़ी क्लियरली बताया हुआ है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, क्या क्या चाहिए होते हैं, उसके हिसाब से आप अपना बेस बना लेना, चाहे आप ओंटारियो जाओ चाहे कहीं पर भी जाओ, तो ओंटारियो और अल्बर्टा में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, सिर्फ 200 घंटे का फ़र्क है ज़्यादा मेरे ख्याल। सर इसमें सर ये अगर मैं एक्सपीरियंस वगैरह अपना पूरा करके क्या आप मेरे लिए ये फाइल कर सकते हैं रेड सील के लिए सर? सर जी जैसे मैंने बताया ना कि ये काम थोड़ा सा क्लरिकल काम है, ये मेरे से कराने का कोई फ़ायदा नहीं है, अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं पेपर भर के उनको करूं, और अल्टीमेटली डिसीशन उन्होंने आपके वर्क एक्सपीरियंस के बेस पर लेना है, और कल को अगर ये डिनाई होता है कुछ है, आई डोंट वॉन्ट टू बिकम अ पार्टी ऑफ के भी डिनाई हो गया क्यों हो गया, क्योंकि उससे ये मेरा रोल नहीं है, मेरा असली जो रोल है वो है वीजा लेकर देना। ठीक, उसके बाद मतलब ये तो चलो अगर किसी के पास जैसे किसी के पास अगर 9000 घंटे हैं और वो जैसे फर्ज करो कोई काम कर रहा है, लगातार काम कर रहा है, अभी सऊदी में काम कर रहा है, उसके 9000 घंटे हैं, 10 साल से काम कर रहा है, तो उसका तो खटाक से पास हो जाना है, ये वो कहेंगे ठीक है जी आप, इट्स नॉट अ डिफिकल्ट, मतलब ये मुश्किल नहीं है कि पास करवाना, असली असली रोल है कि जो सऊदी में जो कैनेडियन एम्बेसी बैठी है जो जेद्दा में या रियाद में है
वहां का वीजा ऑफिसर को सेटिस्फाई करना कि भी इनको वीजा दे दो, वो है असली मेन काम, और वहां पर मेरा रोल शुरू होता है और वो है मेरा रोल। बाकी और जो मेरा रोल नहीं है उसके बारे में मैं आप मेरा आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम एंड मनी कि आप एक एप्लीकेशन मेरे से कराओ। मेरे को इतना इस कोई एप्लीकेशन का लालच नहीं है, मैं तो लोगों को खुद कह रहा हूँ कि अपने आप करो भाई, और जब मेरी ज़रूरत है तो फिर आप आओ, जहाँ पर मेरी ज़रूरत है वो ज़रूरत मैं एक जायज ज़रूरत है, लेकिन उसके अलावा और इस काम में मेरी ज़रूरत नहीं है। ठीक, जैसे जॉब सर्च का मैंने आपको फोन करके बता दिया, मैंने आपके सामने ही बात करी है, कोई सीक्रेट बात नहीं है और उसको मैं जानता भी नहीं है। तो सर इसलिए मैंने आपसे कांटेक्ट किया कि अपनी जो है कंसल्टेंसी ली जाए राइट प्लेटफॉर्म से, जहाँ से मुझे जो ऑथेंटिक जो है कुछ न्यूज मिले या ऑथेंटिक मुझे कुछ ऐसी चीज मिले जो मुझे हेल्प कर सके। बाकी आप किसी भी कंसल्टेंट, चाहे पाकिस्तान में चाहे दुबई में कहीं भी चले जाओ, वो तो मोटा मोटा कहते हैं जी हमें इतने लाखों दे दो हम करा देंगे, बताते नहीं है वो। लेकिन कुछ जी सर आप इसके लिए आपका बहुत कि आपने मुझे जो है वो सही गाइड किया। सर मेरे वालिद साहब आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, छोटी सी, अगर आपका थोड़ा सा टाइम चाहिए। बताए जी सर। अस्सलाम वालेकुम, मैं खालिद बात कर रहा हूँ सर। वालेकुम सलाम, आप बताएं सर, सब ठीक ठाक? आपका बेटा बड़ा होशियार है, कुछ कर रहा है कोशिश, आप बताएं आपके क्या वो है सवाल। सर असी हसन अब्दाल दे रहने वाले हैं पंजा साहब, ते सानू खास मदद दी जरूरत है तुहाड़ी सर। सर जी दसो सेवा, मैं हुक्म करो कि मैं जो मेरे बस से हो मैं करांगा, जो मेरे बस से नहीं है मैं नहीं कर सकता, दसो। चलो सर ये तुसी नंबर रखो ना अपने कोल, किसे वाले कोई चांस बन जाता है तो फिर। और एक गल और पूछनी है सर, साडा जाती मैं भी रेफ्रिजरेशन एसी दा काम करदा रहे, मेरे बेटे नु भी डिप्लोमे कराए ने, काफी इंटरनेशनल लेवल दे कोर्स भी करवाए ने, एक्सपीरियंस भी है साडा। अपना इत्थे दुकान बनाई हुई है, दुकान दे रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट दे जेड़े इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उत्थे भी है, लेकिन वो ज्यादा पुरानी नहीं, ते असी उहदा एक्सपीरियंस भी शामिल कर सकते हैं। बिल्कुल करो जी, बिल्कुल करो। तुसी इस तरह करो, देखो मैं मेरा मेरे मेरे दिलो दिमाग पे जेड़ी आवाज़ है ना, मैनू ये पता है कि ये मुंडा ताड़ा जेड़ा ना जॉब ले लेगा, ये अगर अप्लाई करेगा। जिस तरह आज एक किसी नू कॉल करके अजी उन्होंने कहा कि भी तुसी अपना रेज्यूमे भेजो, सुनया होगा तुसी शायद। हाँ जी मैं सुने। हाँ इस तरह अगर तुसी एटलीस्ट चलो हफ्ता दो हफ्ते ला के तुसी अपनी कोशिश कर लो, टकरा मार के देख लो, मतलब डायरेक्टली उन्होंने जे तुसी कॉल नहीं करनी, अगर जे तुसी नहीं गलबात कर सकते, उन्होंने ईमेल एड्रेस दिता हुआ है तो उन्होंने तुसी सिर्फ तीन चार लाइन तुहानू दसी है, तुसी ये लिखो कि भी मेरे को सऊदी अरेबिया का एक्सपीरियंस है, ये मेरे सर्टिफिकेट्स हैं, ये मेरा इंग्लैंड का गिल्ड सर्टिफिकेट है जो है इन्होंने कोल, तो मेरी साड़ी अपनी पुश्तैनी दुकान है, पुरानी दुकान है, साडा फैमिली बिजनेस है, तो तुसी सिर्फ एक मैनू मौका दो स्काइप पर, वो तुहाडा इंटरव्यू लेंगे, मतलब कि उन्होंने टेक्निकल सवाल पूछने हैं, तो बाकी फिर मेरा कॉन्फिडेंस है, मेरा मेरी नॉलेज है, तो अगर नॉलेज अगर मेरी पसंद आ गई है तो फिर तुसी अगर जे चाहो तो नौकरी दे सकते हो। बस ये चार लाइनें लिखनी है, तुसी चार लाइन लिख दो, मेरा मेरा पक्का एक यकीन है कि तुसी अगर 10-15 अगर जेडे उत्थे उन्होंने कॉल कॉन्टैक्ट करोगे, कंपनियों को कॉन्टैक्ट करोगे, एटलीस्ट एक आध जगह तुहाडी लॉटरी लग सकती है। ठीक है सर, फिर अगर अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाता है फिर उस तो बाद थोड़ा काम शुरू होएगा, वीजा स्टैम्प फिर मेरा काम शुरू होएगा, फिर अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा, फिर वो फिर तुसी उन्होंने अपने कंपनी में भी कैसे ना, उन्होंने तुम्हें ये पूछना कि भी तुसी वीजा अप्लाई करो, फिर तुसी उन्होंने चाहे भावे मेरा नाम या दस सकते हो कि भी मेरा मेरे को एक लॉयर है और मेरे लिए वीजा अप्लाई करेंगे, फिर मैं उन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स कागजा चाहिए फिर लेके फिर मैं वीजा इतों अप्लाई करांगा, ताड़ी एप्लीकेशन इतों तैयार होकर फिर वो कनेडियन एम्बेसी पाकिस्तान जाएगी, फिर वो फिर वीजा ऑफिसर दा फैसला उन्होंने हाथ है सारा, अगर जो वो रिफ्यूज़ कर दें फिर मैं दोबारा उन्होंने फिर आर्ग्यू करांगा, जो मैं मेरा काम है मैं करांगा, फिर देखते हैं फिर की होएगा। सर तुम्हारे कंसल्टेंट चार्जेस कितने होते हैं सारे प्रोसेस से? सर जी इस वक्त कंसल्टेशन चार्जेस का मेरे कुछ नहीं, अपन हूँ गलबात कर रहे हैं, तो मैनू यह भरोसा है कि तुम्हें जरा सही एक गाइडेंस मिली है, यू विल गैट द राइट थिंग, तुम ये मैं सैटिस्फाइड हाँ। बाकी हाँ जब वीजा अप्लाई करना है उसके बाद जब उन्होंने जॉब लेटर आएगा जब कुछ होएगा फिर आप डिसाइड करेंगे किस तरह करना है, बाकी इस वक्त तो मतलब तुसी अपना फोकस करो जॉब सर्च करने ली, जिस वक्त कोई अगर जॉब मिल गई तो फिर कर लो, बाकी स्टडी वीजा करने का कोई फायदा नहीं क्योंकि पैसा बड़ा खराब हो जाएगा, इन्हों पैसा इन्होंने को इस तरह खुला नहीं है, सो रहन दो।
हाँ अगर जे 9,000 घंटे वाला जरा इन्हों का कोई अगर जे आवर्स हो रहे हैं तो फिर अप्लाई कर लो क्योंकि उसे भी 450 नंबर का खर्चा हो जाए। दुकान वाला एक्सपीरियंस पाते हैं तो फिर हो जाएगा। तो हम जिससे को 3-4 साल का डिप्लोमा भी है गवर्नमेंट का रेफ्यूजिशन के अंदर ते नाल दो YMCA दे सेंट पैट्रिक दे डिप्लोमे भी ने साल साल दे। चलो फिर ले लो चांस ले लो फिर कर लो कोई गल नहीं। मेरा मेरा ख्याल है कि तुम अपना एक चांस ले लो। जिंदगी का कुछ पता नहीं, $450 है, क्या पता कोई एकदम किस्मत दे दरवाजे खुल जाए तो एक्सपीरियंस वेरीफाई हो जाएगा। तो नाल नाल अपना जॉब सर्च भी साइमल्टेनियसली नाल नाल अपना कंटिन्यू रखो। अच्छा सर प्लीज जरा जड़ी 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 साइडा ने जॉब सर्च वाली कामयाब साइडा उन्हों का लिंक जरा भेज दियो। मैं ऑलरेडी भेज चुके ना, एक ही साइट है सिर्फ, तुम्हें मैं दोबारा दोबारा भेज देना। सिर्फ साइट सिर्फ एक ही है, तुम मैं देखो एक सेकंड होल्ड करो, मैं दोबारा टाइप करके भेज देना। वो जॉब बैंक इनू कहते हैं जॉब बैंक, सर पता मैं जॉब ये देखो आ गया। और कोई सीक्रेट साइट नहीं, यह सरकारी वैबसाइट है। सरकारी वैबसाइट से जिन्हें भी इंपलॉयरस है उन्होंने मुलाजमान की लड़ होंगी है तो उत्थे लिख देंगे कि भी सानू यह लड़ है। जिस तरह हूँ इस बंद कॉल किया उन्हें जॉब अज ही पाई है किस्मत ना, अज ही देखो शायद साढ़ा ही पहला फोन गया होना मेरे ख्याल, पर वो एक्सपैक्ट करते हैं कि हरेक बंदा जरा कर रहा है वो उस ईमेल एड्रेस से अपना बायोडेटा वगैरह भेजे सारा फिर करे और फिर जाके फिर डिपेंड फिर अल्टीमेटली फिर तो मालिक से डिपेंड करता है कि उन्हें इंटरव्यू लिए कॉल करना नहीं करना। जे अगर उन्होंने दिल से कुछ लग गया कि हाँ भाई क्वालिफाइड है दैन ही विल रिस्पोंड, अदरवाइज उन्होंने छोड़ देना। गल तो यही है हर जगह इस तरह। जे पाकिस्तान अगर जो सपोज मैं तो कनेडा बैठा मैं अगर आके पाकिस्तान कराची में अगर जाके जॉब करनी है तो मैं भी उस तरह ही अप्लाई करना पड़ेगा। मैं भी अपना रेज्यूमे भेजोंगे तो वो डिसाइड करेंगे हाँ जी बुलाओ सरदार जी बुलाओ जी इंटरव्यू लिए आएगा, अदरवाइज कहना डिग्री हटाओ जी चेक दो जी कोई लोड ही नहीं। सऊदी अरब वगैरह दुबई गया तो इसे तरह गया रेज्यूमिया तो गया बगैर पैसे तो। जी 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 मैनू पता है कोशिश कर रहा है जेड़ा जेड़ा इंसान हाथ पैर मार रहा है डेट मीन्स वो कुछ करेगा देर सवेरे उन्हें कामयाबी मिलेगी। ठीक है सर बहुत शुक्रिया तुहाड़ा बहुत धन्यवाद है बड़ी मेहरबानी है तुहाड़ी बहुत अच्छी गलबात की असीं तुहाड़ा बहुत शुक्रगुजार हाँ तो बड़ी तुहाड़े असीं दुआ करने हैं बड़ी मेहरबानी बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच फॉर इट।